स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, अभी जो मैंने कैनवस सेलेक्ट किया हुआ है वो इस तरह से सिलेक्ट किया हुआ कि इसके अंदर दो कार्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। क्यों दो कार्ड्स आ सकते हैं? बिकॉज कार्ड्स की दो साइड्स होती हैं, फ्रंट साइड और बैक साइड। पहले हम फ्रंट साइड बनाएंगे फिर हम बैक साइड बनाएंगे या अदर वे अराउंड, कोई मसला नहीं है। तो जिस तरह का मैंने आपको बताया, कैनवस का साइज 1600 पिक्सल्स बाय 1600 पिक्सल है, ठीक है ना। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट और सी, तो ये कैनवस का साइज बता देता आपको। तो दिस इज 1600 पिक्सल्स बाय 1600 पिक्सल्स, और ये मैंने क्यों चूज किया, बिकॉज इसके अंदर ये वाली रेजोल्यूशन दो दफा आ सकती हैं, ये वाला कार्ड जो है। ओके, मैं कार्ड बनाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने उसका एक फिजिकली कार्ड बनाना है। तो आई विल गो ऑन द रेक्टेंगल शेप टूल, रेक्टेंगल पे गया हूँ। अब मैंने सिर्फ मैंने ड्रैग कर सकता हूँ रेक्टेंगल बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये राइट पे जो विड्थ और हाइट बता रहा है माउस के साथ, ये चीजें मैं चेंज करके 1050 बाय, ठीक है ना, ये मैं जा रहा हूँ, विड्थ 1050 हो गई है और हाइट इसकी मैं 600 कर दूँ। तो इन शॉर्ट ये बहुत लंबा काम है और इतना एक्यूरेट नहीं होता। तो आई जस्ट प्रेस एस्केप, मैं डिलीट करता हूँ। मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया, इसका शॉर्टकट किया। अगर आपने एग्जैक्ट इस तरह का रेक्टेंगल बनाना है तो जस्ट क्लिक एनीवेयर ऑन द कैनवस। जो आपसे पूछता है कि आपने विड्थ कितनी रखनी है और हाइट कितनी रखनी है, विड्थ जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है 1050 है, तो रखेंगे, हाइट 600 है 600 रखेंगे। और जो रेक्टेंगल है उसके जो बॉर्डर यानी कि जो कॉर्नर्स हैं, जो बिजनेस कार्ड को इमेजिन करें अपने सामने, आईडी कार्ड समझ लें, ठीक है ना, सीएनआईसी जो कार्ड होता है, सीएनआईसी कार्ड जो होता है आपका, उसके एजेस थोड़े से राउंडेड, आई डोंट नो राउंडेड होते हैं कि नहीं होते, बट एनीवेज हम राउंडेड बनाएंगे बिकॉज इट इज मोर इन डिमांड और इट लुक्स मोर क्लीन। तो उसके लिए लेट्स स्टार्ट विद जीरो। जीरो इसका वो है कॉर्नर्स बता रहा है, ठीक है ना, ये बता रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो कि जीरो पिक्सल राउंडेड है, टॉप राइट कॉर्नर वो भी जीरो पिक्सल है, और मैंने इसको लिंक किया हुआ है, यानी मैं अगर ए को जीरो करूँ तो सारे जीरो हो रहे हैं बिकॉज दे आर लिंक्ड। तो मैं ये चेन खत्म करता हूँ और मैं इसको टेन करता हूँ तो बाकी सारे चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको लिंक करता हूँ तो सब सब ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। तो मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और बाद में हम चेंज करेंगे इसको जो एट द स्पॉट डिसाइड करेंगे। मेरे जेन में वैल्यू है लेकिन मैं आपसे आपको बताना चाह रहा हूँ। अब मैं ओके प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसने उसी हाइट और उसी विड्थ का ट्रायंगल बना दिया जो हमने लिखा है, और ये एग्जैक्टली 1050 बाय 1600 है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं तो इट्स मच मोर इजी इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग। एंड अब मुझे लग रहा है कि इसके साइड पे ना स्ट्रोक डला हुआ है, तो मैं स्ट्रोक पहले खत्म कर दूं। 1 पिक्सल का स्ट्रोक लगा हुआ है। स्ट्रोक क्या होता है? इसकी जो बाउंड्री है वो उसको स्ट्रोक कहते हैं, एजेस बॉर्डर्स को। तो लेट्स रिड्यूस इट टू जीरो। अभी सिर्फ और सिर्फ शेप हमारे पास ट्राइंगल रेक्टेंगल है, एंड इसका कलर अभी मैं फिलहाल के लिए ग्रेश दे रहा हूँ, बट लाइट ग्रे। ओके, लाइट ग्रे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो बॉर्डर्स हैं कॉर्नर्स वो शार्प एजेस हैं। तो हमने इसको सर्कुलर बनाना है, ठीक है। तो हाउ टू डू दैट, आपने रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, जो भी शेप टूल होगी आपकी, रेक्टेंगल जितनी भी शेप टूल हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इन दिस केस वी हैव वन, तो हम इसको सिलेक्ट करें और इसको रीनेम कर लें, दैट्स इंपॉर्टेंट। मैं इसको कहूंगा फ्रंट कार्ड, ठीक है। तो ये मेरा जो कार्ड है बिजनेस कार्ड का, उसकी फ्रंट साइड है। अब यहाँ पे ये वाला जो आइकन है जो कि यहाँ पे गया हुआ, लेट मी जस्ट प्लेस इट हियर, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा। अगर आपकी ये शो नहीं हो रही तो आप विंडोज पे जाएं और प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दें तो आपको ये वाली विंडो शो हो जाएगी। और इस विंडो पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि वो वही वाला पैनल खुल गया जो कि स्टार्ट में खुला था।
और वो रेडियस बता रहा है हमें कि जीरो पिक्सल्स, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो जीरो पिक्सल राउंडेड हैं, इसका मतलब है शार्प एजेस हैं। अब हम क्या करने लगे हैं इसको, लेट्स मेक इट 45 पिक्सल्स, सारे के सारे 45 पिक्सल्स हो गए। क्यों? क्योंकि ये लिंक्ड है, तो मैंने एक एज को चेंज किया तो ऑटोमेटिकली सारे एजेस चेंज हो गए। अब मैं कार्ड को देखता हूँ, कार्ड कैसा है, अब वो राउंडेड हो गया, विच लुक्स मच मोर लाइक अ कार्ड। और रिपीट अगेन, मैंने रेक्टेंगल बनाया विद द हेल्प ऑफ शेप टूल, रेक्टेंगल, एंड मैंने क्लिक किया, पिक्सल्स बताए इसमें, और यहीं पे मैं 45 डिग्री बता सकता था इसको, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए, अगर यहाँ पे आप ना सेलेक्ट करें तो आप प्रॉपर्टीज पे जाके कर सकते हैं, बट आप स्टार्ट में ही कर सकते हैं 45 लिख के, यू कैन जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द राउंडेड रेक्टेंगल। ये मेरे पास एक कार्ड आ गया। अब नाउ इट वुड बी बेटर अगर मैं प्रोसेस को बैकग्राउंड से बाहर की तरफ निकाल लूँ विद द हेल्प ऑफ अ शेडो। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस लेयर पे सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल टूल पे इफेक्ट्स पे गया हूँ और ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया। ठीक है, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, ड्रॉप शेडो की ओपेसिटी जो है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, ओपेसिटी में बढ़ा रहा हूँ इसकी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेडो आ चुका है। और साइज में इसका देता हूँ कुछ 0-0 कर रहा हूँ। ये मैं कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, इसमें एक है डिस्टेंस, एक है स्प्रेड और एक है साइज, ऊपर एंगल भी है। अब मुझे किस तरह का शेडो चाहिए वो इन चीजों पर डिपेंड करता है। देर इज नो राइट आंसर, इसमें कोई राइट वे नहीं है शेडो बनाने के लिए। शेडो वो बनाते हैं आप, जो आपको आपके दिमाग में जो होता है कि मैंने इस तरह का शेडो मुझे चाहिए। ठीक है ना, कुछ शेडो इस तरह के होते हैं। शेडो इस तरह के होते हैं जो कि एक्सट्रीमली हैवी शेडोज होते हैं। ठीक है, मैं इसमें डिस्टेंस ज्यादा दे सकता हूँ, साइज ज्यादा दे सकता हूँ, तो क्या हो रहा है, लग रहा है कि लाइट सोर्स इस साइड पे और शेडो इस तरफ फॉल कर रहे हैं, बट लेट्स कीप इट सिंपल। मैं डिस्टेंस इसको 0 दे रहा हूँ और साइज इसका बढ़ा रहा हूँ और एंगल में इसको दे रहा हूँ 0 का। तो यू कैन सी कि इसके लिए शेडो आ चुका है। और हमने बेस क्या की है अभी, सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रंट कार्ड की। ठीक है ना, ये चीजें जो बाद में ऐड करनी थी वो मैंने पहले ऐड कर दी हैं। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, कार्ड बेतहाशा किस्म के होते हैं, देर इज नो फिक्स वे ऑफ क्रिएटिंग अ कार्ड, लेकिन फॉर द सेक ऑफ लर्निंग मैं एक सिंपल सा कार्ड बनाऊंगा। और आप लोगों की असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने भी कार्ड बनाना है, सो ध्यान से आप लोगों ने फोकस करना है। कोई भी इशू होता है एट द एंड ऑफ दिस क्लास आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। अब मैं इस कार्ड को असल रंग देना चाह रहा हूँ जो कि मेरा फाइनल कार्ड का रंग कलर होगा। मैं कुछ कलर्स जो हैं वो डिसाइड कर लेता हूँ पहले से ही। कलर टेम्पलेट्स आप नेट से उठा सकते हैं, बट मैं आप लोगों के सामने एक वो कर रहा हूँ, फोल्डर बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ कलर टेम्पलेट। और इस कलर टेम्पलेट के अंदर मैं अपने पहले से ही कलर डिसाइड करने जा रहा हूँ। कोई मुझे चाहिए होंगे 1, 2, 3, 4 चाहिए होंगे तकरीबन, एक मेन कलर, एक फीचर कलर और बाकी सपोर्टिंग कलर्स। तो मैं इसके डुप्लीकेट बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल जे, 1, 2, 3। ठीक है ना, तो 3 कॉपीज बन गई हैं और एक ओरिजिनल, टोटल 4 हो गए। लेट मी स्प्रेड दिस आउट, इन सबको स्ट्रोक लगा हुआ है। ठीक है ना, स्ट्रोक क्या होता है, ब्लैक बॉर्डर्स जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं शेप पे जाऊंगा, शेप टूल पे, और इन सबको सिलेक्ट करके स्ट्रोक के रेडियस, स्ट्रोक के साइज को 0 कर दूंगा। अब इनमें से किसी में भी स्ट्रोक नहीं है, बाकी 2 लेयर्स इसके पीछे छुपी हुई हैं। तो लेट मी अलाइन दैट, इन चारों को सिलेक्ट करूंगा, बी प्रेस करूंगा और फिर ये वाला आइकॉन प्रेस करूंगा, तो सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सिंपल अलाइनमेंट है इसमें, मैंने कुछ भी नहीं किया। नाउ अब मैंने कलर जो टेम्पलेट है इसको किस तरह से यूज कर सकता हूँ, लेट्स सी। ये जो कलर डायमेंशंस हैं ये मैं मिटा नहीं रहा, बट लेट मी जस्ट रीएडजस्ट इट समवेयर एल्स, यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है,
सबसे पहले मैं चूज करूंगा, और यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से चूज करना है। अगेन देयर इज नो फिक्स टेम्पलेट, लेकिन मैंने सोचा हुआ वो ग्रीनिश और मोस्ट प्रोबली ग्रीनिश टच होगा उसमें। तो दिस इज कलर नंबर वन। कलर नंबर टू मेरा होगा डार्क वाला, विच इज दिस। कलर नंबर थ्री इज लाइट ग्रे, जो कि था पहले से ही। ये मेरा होगा, एक साइड का डार्क कलर होगा, एक साइड का लाइट कलर होगा। एंड जो आखिरी कलर है वो इसी का वर्जन होगा, लेकिन थोड़ा सा डार्क होगा, ठीक है ना, इन केस मुझे जरूरत पड़ी अगर मुझे डार्क कलर यूज करने की। तो आई थिंक दे आर ब्लेंडिंग नाइसली, कोई इसमें एज सच ऑड वन आउट नहीं लग रहा। तो लेट्स स्टार्ट अगेन, मेरे पास फ्रीडम है, मैं चेंज कर सकता हूँ इसको। तो कलर टेम्पलेट बन गया। ये कलर टेम्पलेट कार्ड का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ मैंने अपने डिजाइनिंग प्रोसेस के लिए बनाया है, और यह एंड मैं हाइड करके डिलीट कर दूंगा या हाइड कर दूंगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट में नहीं आएगा, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग। अब मैंने जो सोचा है वो ये है कि इस साइड पे मेरा सारा कंटेंट आएगा, या फिर मैं माउस चला रहा हूँ। तो लेट मी जस्ट अरेंज दिस कार्ड जो कि मैंने बनाया है, सेंटर लाइन कर रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। मैंने कार्ड पकड़ा है जो कि मेरा ये वाला कार्ड है, और बैकग्राउंड पकड़ा है जो कि ब्लॉक है, और ऊपर से अलाइन में मूव टूल में जाऊंगा ना, तो ऊपर अलाइनमेंट आ जाएंगी, और मैं इसको सेंटर करने लगा। ये सेंटर क्या है, ये सेंटर वाला एक्सिस है ना, मैं पहले ग्रिड बना लेता हूँ। ग्रिड बनाता हूँ सेंटर में जाके, और ये 1600 है ना, तो 800 कहीं ना कहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो ये सेंटर में ऑटोमेटिकली आ गया। आप लोगों को याद होगा मैंने स्टार्ट में एक सिखाया था आपको कि अगर माउस पास लेके जाएं 50% के, तो मिनी एक जंप लगती है, विच मीन्स कि 50% है। तो 50% ये हो गया। अब इस कार्ड को मैंने इस बैकग्राउंड के इस लाइन के मुताबिक अलाइन करना है, ठीक है ना। लेट से मेरा कार्ड इधर पड़ा हुआ है कहीं पे, ये रेगुलर पड़ा हुआ है। आई वॉन्ट टू अलाइन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस वर्टिकल लाइन। तो मैं क्या करूँगा, जिस चीज को अलाइन करना है उसको पकड़ूंगा, और जिसके रेफरेंस से अलाइन करना है उसको पकड़ूंगा, विच इज बैकग्राउंड। और फिर मैं ऊपर वाले अलाइनमेंट में से वर्टिकल अलाइन पकड़ूंगा, विच इज दिस। आई थिंक दिस इज वर्टिकल लाइन, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। वर्टिकल लाइन के साथ जो एडजस्ट हो रहा है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये मैं मिशन कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट एनी वेज वर्टिकल अलाइन के साथ, वर्टिकल लाइन के साथ आपने अलाइन करना है, विच इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल अलाइन। खैर अलाइन हो गया हमारा। शेडोज जो है ना वो बहुत ज्यादा ब्लेंड हुए हैं, लेट उसको थोड़ा सा बढ़ा, साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया। कार्ड हमारा रेडी है, बेस रेडी है, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ये ग्रिड मैंने इसलिए बनाया है कि आपको बताने के लिए कि लेफ्ट साइड पे, इस ग्रिड की इस साइड पे मेरा कॉन्टेंट आएगा, और इस साइड पे लोगो आएगा एंड कंपनी नेम एंड प्रॉब्ली वेबसाइट। कुछ चीजें होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्ड मेंशन होती हैं, इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं मेंशन करते हम कार्ड के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेम, क्योंकि कार्ड हमेशा एक किसी बंदे के नाम पे होता है। ओके, ये कार्ड जब आप रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे ना, तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली उसको फिल कर देगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो आई विल डिलीट दिस टेक्स्ट और साइड स्क्रीन क्रिएट करूंगा, फिर उसको ड्रैग करूंगा यहाँ पे, और टेक्स्ट में मैं लिखूंगा अपना ही नाम लिख देता हूँ। और टाइम्स न्यू रोमन कभी जिंदगी में ना चूज करें, जितना ज्यादा ये यूज हो चुका हुआ है। यू कैन यूज एनी फॉन्ट यू वांट, आई एम गोइंग विद दिस वन। इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा, क्योंकि मैंने पहले से ग्रिड बना लिया हुआ है कि मेरा टेक्स्ट कहाँ पे आएगा। तो आई हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दैट, मैंने इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, ये एक रूल मैंने अपने दिमाग में बनाया है इस कार्ड के लिए, कि ना हर कार्ड में चीज वेरी करती है। किसी में मेरा नाम सेंटर में होगा, किसी में मेरा नाम इधर होगा, बट फॉर दिस मैं अपना नाम यहाँ पर रख रहा हूँ। तो मेरा नाम आ गया यहाँ पे, और अब आई थिंक वी शुड
चेंज द बैकग्राउंड कलर, जो मैं अपने टेम्पलेट ऊपर डिसाइड किया है इसमें से मैं अपना कलर चेंज करने जा रहा हूँ। पूरे कार्ड को मैं डार्क टोन दूंगा, तो मैं फ्रंट जो बिजनेस कार्ड है मेरा इसको डबल क्लिक करूंगा, तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, कोई भी कलर डाल सकता हूँ। आई विल गो विद दिस डार्क कलर एंड प्रेस ओके। अब मैं अपना टेक्स्ट का जो कलर है इसको व्हाइट करूंगा, बिकॉज ब्लैक के ऊपर व्हाइट प्रोमिनेंट होता है। नाम पे गया हूँ, कलर को चेंज किया है, व्हाइट कर दिया है। और आई वुड लाइक टू टेस्ट समथिंग यहाँ पे, कि मैं अपना इस पहले नाम को थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इस पूरे नाम के जो स्पेसिंग है, करेक्टर्स में जाऊंगा, वो आप विंडो पे जाएंगे और करेक्टर पे जाएंगे। जब भी आप टेक्स्ट पे एडिट कर रहे हो ना, आपने ये विंडो लास्ट नहीं खोलनी है, करेक्टर्स वाली। करेक्टर पे जाएं तो उसका शॉर्टकट ये है, यहाँ पे ए लिखा होता है, और अगर ना लिखा हो तो विंडोज पे जाकर करेक्टर खोल लें। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रही है मेरे पास, इसमें है ऊपर, अगर मेरे पास मल्टीपल लाइन्स होती ना तो मैं उसके दरमियान में स्पेसिंग कंट्रोल कर सकता इस पार्ट से। जो ये वाला पार्ट आ रहा है वी ए जिसको लिखा रहा है, ये लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग करता है। मैं अगर इसको कर दूं बढ़ाता रहूं तो वो आप देख सकते हैं कि लेटर के दरमियान स्पेसिंग बढ़ रही है। मैं इसको जीरो कर देता हूं, ठीक है, और 20 कर देता हूं, ठीक है, 20 इज फाइन। ये मैंने अपने नाम का साइज इस तरह से किया कि मेरा फर्स्ट नेम प्रोमिनेंट हो और लास्ट नेम थोड़ा सा लेस प्रोमिनेंट हो। अब मैं अपना टाइटल लिखूंगा, यहाँ पे मेरा टाइटल क्या है, मैं अपना टाइटल लिखना पसंद करूंगा एक न्यू लेयर में। एक मेरी लेयर बन गई है फुकान लग, जो कि नेम की है। अब मैं एक और लेयर बनाऊंगा और उसको नीचे कर दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या टाइटल दूंगा अपने आपको, आई थिंक स्कूल टीचर कर देता हूँ फिलहाल। स्कूल टीचर का कार्ड वैसे कभी देखा नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल इसका साइज मैं छोटा करूंगा, बिकॉज मैं इसको अपने नाम के साथ प्रोमिनेंट नहीं करना चाह रहा। तो मेरे पास ऊपर से भी छोटा करने का, ठीक है ना, ऑप्शन है, यहाँ से ऊपर नीचे कर सकता हूँ साइज। अच्छा हाँ, आई थिंक आप लोगों ने नोट किया होगा अब तक कि मैं टेक्स्ट लिखता नहीं हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने टेक्स्ट छोटा करना है तो मैं 10 नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं इसको ड्रैग करना शुरू कर दूंगा। मेरे लिए ये क्विक एक क्विक सोल्यूशन है, चेंज टेक्स्ट विजुअली नजर आना शुरू हो जाता है कि कौन सा टेक्स्ट का साइज अच्छा है। तो जस्ट क्लिक हियर एंड देन ड्रैग राइट या लेफ्ट, और राइट इधर है और लेफ्ट इधर है, ठीक है ना। तो जस्ट ड्रैग इट राइट एंड लेफ्ट, तो आपको नजर आ जाएगा कि कार्ड का वो चेंज होना शुरू हो गया। अच्छा, अब साइज छोटा करना है इसका, वो मैं कर चुका हूँ, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। अब इसके दरमियान में मैं स्पेसिंग करना पसंद करूंगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा, जब मैंने साइज छोटा कर दिया है तो ये बहुत एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, अगेन ये वाली ऑप्शन यूज करूंगा, और जितना हो सकता है मैं इसको करूंगा ताकि मेरे नाम के नीचे एग्जैक्ट फिल हो जाए। जितनी मेरी इस नाम की विड्थ है ना, उतना ही मैं इसकी विड्थ करना चाह रहा हूँ। असल में बात ये, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू वॉन्ट टू डिजाइन योर कार्ड। फिलहाल के लिए ठीक है, नॉट लुकिंग दैट गुड, लेकिन हम बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, देयर इज नथिंग फिक्स। अब या तो मैं नीचे लाइन देना पसंद करूंगा ग्रीन वाली, क्योंकि मेरा फीचर्ड कलर है ग्रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या मैं पीछे देना पसंद करूंगा या फिर मैं ऊपर देना पसंद करूंगा। तो लेट्स ट्राई फ्रॉम दिस पार्ट। इस पार्ट के लिए मैं इसको यहां से सिलेक्ट करूंगा और लेट्स गो दिस। इसमें स्ट्रोक मैं माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे बाउंड्रीज नहीं चाहिए इस रेक्टेंगल के इर्द गिर्द, और मैं इसको कलर दूंगा जो हमने पहले से चूज कर लिया था, ये वाला, ठीक है। और ये क्योंकि कार्ड से बाहर जा रहा है, तो इसके पास, इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। मैं इस रेक्टेंगल को पकड़ूंगा, जो कि इसको मैं नाम कर रहा हूँ फीचर्ड बॉक्स, फीचर तो नहीं है, टाइटल कर देते, टाइटल बॉक्स या नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का मतलब है कि नेम के पीछे जो बॉक्स बना रहा है, मैं इसको कार्ड के ऊपर लेके जाऊंगा ना, फ्रंट कार्ड के ऊपर बिल्कुल रखा है मैंने, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल्ट प्रेस करूंगा और क्लिप करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि बाहर वाला एरिया ऑटोमेटिकली क्लिप हो गया। अभी मैंने क्या किया,
इसको कहते हैं क्लिपिंग मास्क। मास्क हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन हमने ये वाला मास्क नहीं देखा। मास्क होता है कि नीचे वाली जो लेयर है उसके ऊपर अगर आपने कोई चीज क्लिप करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली दोनों लेयर्स को ऊपर नीचे रखें और जो ऊपर वाली लेयर होगी वो हमेशा क्रॉप होती है। जो ऊपर वाली लेयर है हमेशा वो क्रॉप होगी या क्लिप होगी नीचे वाली लेयर पे। मैं रिवर्स करूँ तो कैसा होगा, मैं ब्लैक जो सॉरी फ्रंट कार्ड की लेयर है मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। मैं इसको अगर क्लिप करूंगा ना, अभी दो लेयर्स ऊपर नीचे आ गई हैं, नीचे बॉक्स है ऊपर कार्ड है, और क्या रूल है, ऊपर वाला हमेशा क्लिप होता है। तो अगर मैं ऊपर को क्लिप करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला पूरा क्लिप हो गया, नीचे वाले लेयर सिर्फ जो है उसके ऊपर विजिबल है। ये सिंपल क्लिपिंग मास्क है। बेसिक रूल क्या है, ऊपर वाली लेयर हमेशा नीचे वाली लेयर पे मर्ज करेगी और जो जो मैच ना कर सके, इंटरसेक्ट ना हो सके, वो क्रॉप आउट हो जाएगा। ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर जो कि नेम बॉक्स ये है, फ्रंट कार्ड ये है, इन दोनों में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, यानी इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है ना जो कि ये वाला पार्ट है जो कि कॉमन है दोनों में। ये वाला पार्ट जो है ये ग्रीन वाले में है, ये सारा पार्ट ब्लैक वाले में है, और ये वाला पार्ट ग्रीन में भी आ रहा है और नीचे ब्लैक में भी आ रहा है। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट कॉमन रह जाएगा, बाकी ऊपर वाला हमेशा लेयर क्लिप आउट हो जाएगी। चलो हमारा कार्ड इस तरह का लग रहा है कुछ। मैं कार्ड की खूबसूरती पे बिल्कुल भी नहीं इस जा रहा, वो मैं एंड पे जाऊंगा जब मुझे कुछ चीज नजर आएगी कि काम खराब हो रहा है या नहीं हो रहा। बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स जस्ट गो विद दिस। और आई थिंक अगर मैं अपना नाम का कलर यहाँ पे चेंज करूं और मेरे टेम्पलेट कलर्स कहाँ पे गए, ऊपर हैं, मेरा नाम कहाँ पे गया, अच्छा ये फुरकान उल हक है, या तो मैं इसका नाम चेंज करने जा रहा हूँ, सॉरी टेक्स्ट चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये बेहतर लग रहा है, अब थोड़ा सा प्रोमिनेंट डिफ्रेंशिएट हो गया ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर में। स्कूल टीचर को थोड़ा सा मैं पीछे कर रहा हूँ बिकॉज बाद में करूंगा, टाइम नहीं जाया करता। एनीवेज ये टाइटल हमारा फिक्स हो गया। अब हम नीचे आते हैं जहाँ पे फोन नंबर, बिजनेस एड्रेस, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट मेंशन होती है। ये वाला पार्ट मैंने उसके लिए रिजर्व रखा हुआ है, ठीक है ना, जहाँ पे नाम है उसके बिल्कुल नीचे ही मैं उसका सब कुछ कर रहा हूँ, डिटेल्स भेज रहा हूँ। डिटेल्स यानी मेरी ज़ाती डिटेल्स हैं, फुरकान उल हक जो जिसका कार्ड है उसकी डिटेल्स हैं। तो इसके लिए द बेस्ट वे इज टू क्रिएट आइकॉन्स, ठीक है ना, यहाँ पे चार आइकॉन्स मैं डाल दूंगा और उसके लिए मुझे सर्कल्स बनाने हैं। सर्कल्स बना सकता हूँ, रेक्टेंगल बना सकता, जो मर्जी बना सकता हूँ, आई हैव नो रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन उससे पहले मैं अपनी राइट वाली लेयर थोड़ी सी साफ कर लूँ, लेयर पैनल थोड़ा सा मैं साफ कर लूँ। फुरकान उल हक और स्कूल टीचर एक हेडर के तौर पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो लेट्स ग्रुप दैट। दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी प्रेस किया, ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को मैं नाम दे रहा हूँ टाइटल, और आप देख सकते हैं क्या चीज़ है, मैं इसको हाइड करूंगा तो टेक्स्ट टाइटल वही है, विजिबल है। तो ये इसको मैं थोड़ा सा आगे करना पसंद करूंगा, बिल्कुल ये बिल्कुल साफ चिपका हुआ है बॉक्स के। अब ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, फोर अदर सर्कल बनाने, उसके लिए मैं एक और ग्रुप बनाऊंगा लेकिन मैं बाद में बनाऊंगा, पहले मैं सर्कल्स ड्रॉ कर लूँ। एक सर्कल ये, सर्कल को मैं रीसाइज कर सकता हूँ। और सर्कल बनाने को बनाने के लिए ट्रिक क्या यूज करना है आपने, अगर मैं सर्कल इस तरह से बनाऊ ना तो ये ओवल शेप का बन रहा है, एलिप्स बन रहा है, मल्टीपल बन रहा है, कंट्रोल नहीं है मेरा सर्कल के ऊपर। तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा और फिर मैं सर्कल ड्रैग करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि वो एग्जैक्ट सर्कल बन रहा है, एलिप्स नहीं बन रहा। तो आपने शिफ्ट दबा के करना है तो एग्जैक्ट सर्कल बन जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इसका कलर में क्या चूज करूंगा, स्ट्रोक खत्म करूंगा 0 pixels, और डबल क्लिक करूंगा तो कलर आ जाएगा। कलर मैं इसका ये वाला चूज कर रहा हूँ जो मेरा कलर हाईलाइटेड है, ओके करूंगा, हमारे पास एक सर्कल आ गया। मैं इसके अगेन चार कॉपीज बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास चार चीज है ना, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट और एड्रेस। तो लेट्स मेक डुप्लीकेट्स, कंट्रोल जे करके, कंट्रोल जे एक दफा करूंगा, 2 और 3,
टोटल चार कॉपीज आ गई। इन चारों को मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जी प्रेस करूंगा ताकि ग्रुप में आ जाए सारे, ठीक है ना। लेयर पैनल को मैंने नीट रखना, कंट्रोल जी प्रेस किया, ग्रुप बन गया, ग्रुप को रीनेम किया आइकॉन्स। अब सारे के सारे एक ही ओवरलैप हुए हैं, चार हैं ऊपर नीचे, तो मैं किसी एक को निकालूंगा और उसको बिल्कुल नीचे ले आऊंगा, शिफ्ट दबा के नीचे ड्रैग कर रहा हूँ ताकि वो एग्जैक्ट अलाइंड पोजिशन में आता जाए। अगर मैं बगैर शिफ्ट दबाऊँ तो वो इस तरह हिल रहा है, बट अगर मैं शिफ्ट दबा के करूँ तो वो एग्जैक्टली उसी के नीचे आता जाएगा। ये हो गया है मेरे पहला, ये हो गया मेरा आखिरी। लेट्स सिलेक्ट ऑल, और ये वाला मैं प्रेस करूंगा तो सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सॉरी, ये वाला दबाऊंगा, ये हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ ना मैं, सॉरी वर्टिकल कर रहा हूँ। ये सारे ऊपर वाले में हमने ये दबाया था जब हमने ये चार डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ये वाला दबाया था क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने करना था, ये वाले वर्टिकल एक्सिस पे करना है, तो हम ये वाला दबाएंगे। तो ये चार अदद हमारे पास सर्कल्स आ गए, लेकिन मुझे लगता है कि इसके दरमियान स्पेस ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, आखिरी वाला जो है विच इज दिस वन, इसको रीएडजस्ट दोबारा करूंगा। अब मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके जाऊंगा इसको, यहाँ पे ले गया, दोबारा से अलाइन करूंगा इनको क्योंकि अब इनके दरमियान डिस्टेंस चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा और डिस्टेंस कम हो जाएगा। आई थिंक ये सही है। इसको इस पूरे आइकॉन से ग्रुप को मैं हिलाऊंगा और यहाँ पे ले जाऊंगा, ठीक है। आई थिंक फिलहाल के लिए काफी है, तो लेट्स ऐड सम टेक्स्ट। टेक्स्ट ऐड करूंगा इसमें मैं, यहाँ पे अपना फोन नंबर लिखूंगा। कंट्री कोड डाल के कर सकते हैं बट जस्ट टू सेव टाइम मैं इसको चलने प्रॉपर तरीके से करते हैं। प्लस 92335250646, पता नहीं क्या पैटर्न होता है इसका, 646 गैप्स आते हैं मेरे ख्याल से हर 3-3 डिजिट्स के बाद, आई थिंक कंफर्म नहीं है। एनीवेज इसमें रॉयल लग रहा है हर 334, इसका एक पैटर्न होता है, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या होता है, हर 3 डिजिट्स के बाद गैप आता है, ठीक है ना, तो वो आप चेक कर सकते हैं, उसको हम हिसाब से कर सकते हैं 923355250 और 6। हाँ ठीक है, 3 के बाद ही आता है, ठीक है ना, 3-3 के फेयर्स बन जाते हैं। तो ये एक हो गया हमारे पास, लेकिन ये सर्कल से बहुत बड़ा है तो मैं उसी के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल टी, और बाद में इकट्ठे से कुछ छोटा कर दूंगा, कंट्रोल जी स्केप कंट्रोल टी, और थोड़ा सा बड़ा करना है इसको मैंने, ठीक है। ये मेरे पास आ गया है फोन नंबर। अब मेरे पास इसका डुप्लीकेट करूंगा कंट्रोल जे करके, और इसको नीचे लेके आऊंगा मूव टूल के साथ, और इसको मैं रीनेम करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना furqan@gmail.com, ठीक है। अलाइनमेंट मैं बाद में करूंगा, इसकी डुप्लीकेट बनाऊंगा कंट्रोल जे, इसको नीचे लेके आऊंगा, यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, www. यहाँ पे बिजनेस की आएगी कंपनी की, तो कंपनी आएगा company.com, कंट्रोल जे अगेन में कॉपी, कॉपी बनाने के बाद इसको नीचे लेके आऊंगा, और नीचे लाने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया है, आई थिंक एड्रेस रह गया 123 ABC रोड सिटी, यस। चार लेयर्स हो गई हैं, चार आइकन्स हो गए हैं, लेट्स अलाइन देम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहली लेयर जो कि फोन नंबर है, इसको मैं इसके अगेंस्ट, अब देख सकते हैं कि सेंटर लाइन आ गई है, ठीक है। आपने सर्कल देखना है, ये सर्कल का ना सेंटर वाला लाइन देखनी है, मैं उसके अलाइन कर रहा हूँ, ये आ गया, मैं इसको छोड़ दूंगा। आखिरी लेयर इसको पकड़ूंगा, इसको भी सेंटर में लेके जाऊंगा और छोड़ दूंगा। अब पहली लेयर और आखिरी लेयर मेरी अलाइन हो चुकी हुई है। सेंटर को किस तरह से अलाइन करना है, अगेन सेम प्रोसेस, चारों को सिलेक्ट किया, चारों टेक्स्ट लेयर को, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल होगा वर्टिकल होगा, इस चीज की मुझे हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। एनीवेज
यहाँ पे आपने कर देना है ये वाला आइकॉन क्लिक, जो कि अलाइन करता है इसको इक्वल स्पेसेस वाला, तो क्लिक करेंगे तो ये इक्वली अलाइन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये furqan@gmail.com थोड़ा सा ऊपर होता तो मैं क्या करता, इन चारों को इस आइकन से इक्वली स्पेसिंग इक्वल कर देता। तो ये हेल्पफुल टूल है काफी, अलाइनमेंट की प्रैक्टिस आपकी होनी है इस पूरे बिजनेस कार्ड में। ये सारी चीजें इस ओरिएंटेड लग रही हैं, ठीक है ना। 1, 2, 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, W2B आगे से स्टार्ट हो रहा है, furqan पीछे है और +9 और भी पीछे है। अगेन सबको सेलेक्ट किया, अब मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगा अलाइनमेंट, जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट मार्जिन से अलाइन कर रहा है। तो ये अलाइन हो गया हमारा, ठीक हो गया। अब मैं सबको इकट्ठे प्रेस करूंगा और ड्रैग करूंगा शिफ्ट दबा के, ताकि वो अपनी पोजीशन ना छोड़े। दैट्स इट, ये हमारी अलाइनमेंट आ गई है। और आई थिंक प्लस के बाद भी गैप आना चाहिए, अब ठीक है, प्लस के बाद भी गैप आता है। चारों को दोबारा सेलेक्ट किया, दोबारा से अलाइन किया और ऐसा कुछ होगा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट। तो लेट्स हाँ, इसका टेक्स्ट चेंज करना है मैंने, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल्स नहीं आते, कोई वेबसाइट कैपिटल नहीं होती, कोई ईमेल कैपिटल नहीं होता, कोई एड्रेस कैपिटल नहीं होता, तो इसका फॉन्ट मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं करेक्टर्स में जाऊंगा, यहाँ पे फॉन्ट में जाऊंगा, इवन मैं ऊपर से भी जा सकता हूँ, लेकिन ऊपर का नुकसान क्या है, मेरी लेयर छुप जाएगी पीछे वाली, तो इसलिए मैं ये राइट साइड से कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड मैं नीचे वाला एरो दबा के डिफरेंट फॉन्ट्स देखना शुरू करूंगा। नो नो बेटर क्विक सैंड फॉन्ट है, जो कि बहुत अच्छा है, आप लोग यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स में। अब ये नीचे वाला मैसअप हुआ है थोड़ा सा, ठीक है ना, वो सारा कैपिटल मैंने लिखा है। तो लेट्स री एडजस्ट दिस, एड्रेस मेरा यहाँ पे था, मैं ये सब कुछ स्मॉल लिखना पसंद करूंगा। ABC सिटी एंड कंट्री, एंटर किया, चारों को दोबारा से अलाइन किया। लेस देन अ मिनट रिमेनिंग, अगर क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो आप लोग रिजॉइन कर दें। अब ये मेरा फॉन्ट और मेरे आइकन्स बन चुके हैं, और मैं आप लोग डिस्कनेक्ट करके रिजॉइन करें, क्योंकि मैंने आइकॉन्स ऐड करने हैं, जो ग्रीन सर्कल्स बने आ रहे हैं ना, इसमें मैंने आइकॉन्स ऐड करने हैं। तो प्लीज रीजॉइन, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, कंटिन्यू करते हैं। हमने आइकॉन्स ऐड करने, बिकॉज प्लेन इवन तो ये भी चल सकता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हम आइकॉन्स डालना पसंद करेंगे फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सारी कैटेगरीज। तो कुछ आइकॉन्स पहले से मौजूद हैं कंप्यूटर में, मैं उनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और ड्रैग करूंगा फोटोशॉप के अंदर। तो फोर आइकॉन्स मुझे चाहिए, यस, ये फोन का हो गया, ये लोकेशन का हो गया, ये ईमेल का हो गया, और ये इंटरनेट का हो गया। बहुत बड़े हैं ये, रिसाइज करना है, कंट्रोल टी प्रेस किया और विड्थ छोटी करूंगा, तो ऑटोमेटिकली सब सब छोटे हो जाएंगे। इन सब का कलर मैं व्हाइट करना पसंद करूंगा, बट वो बाद में, पहले कर लेता हूँ। इन सबको सेलेक्ट किया जिस जिसको व्हाइट करना है, कंट्रोल जी करके एक ग्रुप में डाल दिया, ग्रुप को रीनेम कर दिया आइकॉन्स, और नीचे वाला प्लेस होल्डर था, खैर इसको मैं आइकॉन्स इसको मैं आइकॉन्स लिखता हूँ, और इसको मैं लिखता हूँ आइकॉन्स प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब ये कि ये प्लेस होल्डर है आइकॉन्स के लिए, और आइकॉन्स बिल्कुल नीचे ले आता हूँ। अब इस आइकॉन्स पे मैं क्या करूँगा, इफेक्ट्स पे जाऊंगा, मैंने इन सबको व्हाइट कलर देना है, पहले मैं दिखा दूँ कि ये है क्या। पहला एज इट इज रहने दूंगा, आखिरी वाला नीचे ले आऊंगा, चारों को सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल अलाइन देम। और अब मैं क्या करूंगा, इनको एफएक्स पे जाके, आइकॉन्स के ऊपर एफएक्स पे जाके कलर ओवरले दूंगा। कलर ओवरले क्या होता है, बेसिकली यू आर पेंटिंग ईच एंड एवरी आइकॉन्स जो भी ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, तो मैंने उसको व्हाइट करना है, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ओके करूंगा, और
आइकन्स थे मेरे इस पे, ये सैचुरेशन मोड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल मोड होना चाहिए। ओके एनीवेज आइकन्स इधर भेज दिया मैंने, फोन सही है, लोकेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ईमेल का होना चाहिए, तो लेट्स स्वैप दैट। वेबसाइट का ऊपर होना चाहिए, वेबसाइट यहाँ पे डाल देता हूँ। ये कौन सा है, ये ईमेल है, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये क्या है, ये लोकेशन है, इसको मैं एड्रेस के ऊपर डाल देता हूँ। और आखिरी वाला फोन है तो वो ठीक है। अब इन सबको मैंने अलाइन किया यहाँ पे और रीसाइज किया कंट्रोल टी करके, काफी छोटा करना पड़ेगा बिकॉज सर्कल्स आर वेरी स्मॉल। अब मैं यहाँ पे जूम करूंगा, ठीक है, और सेम रूल पहले वाला सेलेक्ट करना है विच इज इंटरनेट। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, मैंने इन लेयर्स को रीनेम नहीं किया, वो तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फोन का ऊपर है, ये लोकेशन है, इसको नीचे फेंकें। ये क्या है, ये ईमेल है, इसको यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हमने इंटरनेट हटाना है। इंटरनेट का है, इंटरनेट ये है, सॉरी वेबसाइट, और इसको यहाँ पे, ठीक है। इन चारों को दोबारा से हमने ये वाली अलाइनमेंट कर दी और वर्टिकली अलाइन कर दिया, तो अलाइन पहले से मौजूद है, तो नाउ आइकन्स भी प्लेस हो गए। सिंपल अलाइनमेंट यूज किया मैंने, एक ये वाली और एक वर्टिकल, दो अलाइनमेंट्स हैं। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, नाउ वी मूव ऑन टू द राइट पार्ट। आप लोग एक सेकंड वेट करें, मैंने नेक्स्ट क्लास को मैसेज करना कि क्लास उनकी क्लास को 10-15 मिनट लेट स्टार्ट होगी, तो एक सेकंड वेट करें आप लोग। अच्छा जी, कहाँ पे थे, ठीक है, हमने राइट साइड बनानी है। अब हम राइट साइड पे हम क्या कर सकते हैं, वी हैव नॉट यूज दिस कलर जो कि लाइट कलर होता है, और कार्ड में कंट्रास्ट डालने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ना भी डालूं और यहाँ पे सिर्फ लोगो डाल दूं, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। खैर मैं अपनी राइट लेयर्स पैनल को अलाइन नीट नहीं किया हुआ, तो मैं इन चार जो लेयर्स हैं, नेक्स्ट लेयर, इनको भी मैं एक फोल्डर में डाल रहा हूँ। सो सेलेक्ट देम, कंट्रोल जी, और रीनेम देम आईकॉन टेक्स्ट, कैपिटल नहीं होना चाहिए, ICONTEXT, ठीक है। और इन तीनों को मैं कलर दे दूंगा राइट क्लिक करके रेड। अब मुझे पता चल गया ये रेड क्या है, ये वाला पार्ट है, तो विजुअली थोड़ा सा इजी होता है ढूंढना। और लेट्स प्लेस देम ऑल इन अनदर ग्रुप, ठीक है ना, इन तीनों को मैं कोर ग्रुप में डालने लगा हूँ, कंट्रोल जी करके, लेफ्ट राइट लेफ्ट, हाँ लेफ्ट कॉन्टेंट, लेफ्ट कंटेंट पे मेरा क्या है, ये सारा पार्ट है, तो इसको मूव करना इजी है, इसको अलाइन करना इजी है एंड एवरीथिंग। अब मैं इस टेक्स्ट को ग्रिड लाइन जो है इसकी जरूरत नहीं रही है, मैं इसको पैक कर रहा हूँ, शायद जरूरत पड़े बाद में, बट फॉर नाउ मुझे नहीं जरूरत। मैं एक फेक लोगो फोटोशॉप में और इम्पोर्ट करने लगा हूँ, और इम्पोर्ट कर दिए।
मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए जो कि ये डिजाइन वाला पार्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हाउ टू क्रॉप इट, मल्टीपल ऑप्शंस, लेट्स सी। मैं यहाँ पे लेयर मास्क लगा के जो गठिया हैं ब्रश टूल के साथ इसको मैंने हाइड कर दिया, एज सिंपल एज दैट, बस ठीक है। नो अदर मेथड इज रिक्वायर्ड। अगर और मेथड चाहिए तो कंट्रोल जी, मैं लेयर मास्क नहीं लगाता। मैं क्या करूंगा, मैं इसको रेस्टराइज करूंगा। आपको याद होगा रेस्टराइज क्या होता है, वो नाउ इट इज ऑल पिक्सल्स, ये मैंने पेन टूल में सिखाया था। अब मैं ये वाला पार्ट सिलेक्ट करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा, ये पिक्सल्स हैं तो पिक्सल्स में डिलीट कर सकता हूँ। ये भी मेथड नहीं पसंद, तो कंट्रोल जी, इरेजर टूल पकड़ें, ई शॉर्टकट है उसका, साइज इंक्रीज करें और जस्ट इरेज इट। कितना अच्छा तरीके हैं इसको डिलीट करने के, लेट्स जस्ट मूव ऑन। इसको मैंने कलर दोबारा से चेंज करना है, ये मुझे ब्लैक नहीं अच्छा लग रहा, इसको मैंने व्हाइट करना है। मैं क्या करूंगा, जिस तरह से मैंने ऐसे कलर चेंज किए थे और इसके कलर चेंज किए थे आइकॉन्स के, क्या किया था, व्हाइट कलर ओवरले लगाया था, सेम मैं यहीं पे लगाने लगा हूँ। इस लोगो पे सिलेक्ट किया, एफएक्स पे गया हूँ, कलर ओवरले पे गया हूँ और व्हाइट सिलेक्ट करना है जो कि पहले से हुआ है। सो ओके, ग्रीन कलर से देखते हैं क्या होता है। नॉट बैड, व्हाइट एंड ग्रीन, चलो व्हाइट ग्रीन पे जाते हैं। ओके एंड ओके, कंट्रोल टी करूंगा, मुझे इसको छोटा करना है, लेट्स रीसाइज इट। और यहाँ पे मुझे ना ग्रिड चाहिए होगा टू अलाइन इट सेंटर, अलाइन सेंटर नहीं लेकिन मुझे पता होगा कि सेंटर मेरा कहाँ पे आ रहा है। अच्छा यहाँ पे मेरा सेंटर नहीं आ सकता क्योंकि कैनवस तो ये है ना, तो कार्ड का सेंटर तो ये ना बता सकता, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि मैं इस कार्ड को डबल मा मेथड है, लेट्स जस्ट इग्नोर दैट फॉर नाउ। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, रफ लाइन, ठीक है। इसको मैं लाइन को यहाँ पे ऊपर कहीं पे छोड़ दिया और इस लाइन को मैंने कलर दिया है वाइट, ग्रीन दे देते हैं। लाइन को इस रेक्टेंगल से लाइन करना है हॉरिजॉन्टली, तो वो ग्रिड के पास लेके जा रहे हैं, तो ग्रिड मेरा सही लगा था रफली, इसको मैं फेंक देता हूँ। मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ये वाली, सिर्फ इसलिए ड्रॉ किया ताकि मुझे पता चल सके कार्ड का सेंटर कहाँ पे है। तो अब मैं इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसकी मैं ओपेसिटी कम कर देता हूँ। ये लाइन मैं बार बार बता रहा हूँ कार्ड का हिस्सा नहीं है, सिर्फ मैंने अपनी विजुअली अलाइनमेंट के लिए बनाया कि मुझे पता चले कि इसका हाफ कहाँ पे आ रहा है, और उसके उसकी वजह से मैंने लोगो सेट करना है। तो मैं लोगो को यहाँ पे सेट कर दूंगा, ठीक है। और अब कंपनी नेम लिखते हैं नीचे, अब मुझे स्लैंग की जरूरत नहीं है, मैं स्लैंग को डिलीट कर रहा हूँ। कंपनी नेम लिखता हूँ CUMPANEYNAME, और यहाँ पर थोड़ी सी टाइपोग्राफी चेंज कर सकता हूँ मैं कि कंपनी अगर लाइट है और इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है, या रिवर्स कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंपनी को मैं बोल्ड कर देता हूँ और नेम को सिंपल रहने देता हूँ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टेस्ट, आपको क्या पसंद है। ये आ गया, और कंपनी का कलर भी मैं लाइट ग्रीन पसंद करूंगा। ओके, और नेम बहुत ज्यादा लाइट हो गया, लेट्स रीनेम इट टू रेगुलर, सॉरी लेट्स चेंज इट टू रेगुलर। हो गया, लाइन की जरूरत नहीं है, इसको मैंने डिलीट कर दिया लेयर पैनल से। और क्या चीजें ऐड हो जाती है, कंपनी की टैगलाइन होती है हमेशा, एंटर योर टैगलाइन हियर, ओके। कलर इसका व्हाइट होगा, ग्रे कर देता हूँ मैं, बिकॉज थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए कंपनी का नाम। इस पूरी टैगलाइन को मैंने कैपिटल करना है, सारे टेक्स्ट को कैपिटल करना है। तो हाउ विल आई डू दैट, अगेन करेक्टर पैनल में जाऊंगा, जो कि कहाँ पे होता है, इधर होता है, ए पे जाऊंगा और ये वाला बटन में क्लिक कर दूंगा, जो टी टी कैपिटल लिखा रहा है ना, इसका मतलब है सारा टेक्स्ट कैपिटल हो जाएगा। आपने यहाँ पे नोट करना है,
इस बटन को प्रेस किया तो सब अट्रैक्टेड हो गया। लेट्स रीसाइज इट ओवर हियर, आ गया इधर दी एंड। और इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा, इसको वाइट ही कर देते हैं क्योंकि साइज हमने पहले ही छोटा कर दिया। अभी तीन चीजें जो हैं, लोगो, कंपनी नेम एंड टैग लाइन, तीनों को सिलेक्ट किया, वर्टिकली अलाइन किया और ग्रुप में डाला, कंट्रोल जी। इसको मैंने रीनेम किया राइट कंटेंट, और इसको मैंने थोड़ा सा नीचे ले आया हूँ, कंट्रोल टी प्रेस किया और बड़ा करने, ठीक है। फिर आज के लिए हम इसी से गुजारा करते हैं, फाइन ट्यूनिंग करने का टाइम नहीं है इस वक्त। ये आपका बिजनेस कार्ड बन गया। तो चीजें सीखने वाली क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट्स, दैट्स इट। अलाइनमेंट स्ट्रांग होगी तो ये कार्ड बन सकेगा इतना नीट, अगर नहीं बन अलाइनमेंट स्ट्रांग होगी तो कार्ड नीट नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट यूज की है हमने, इस आइकॉन्स में यूज की है, प्लेस होल्डर्स में की है, ऊपर में हमने भी अलाइनमेंट नहीं यूज की, हमने हाफ वे मेथड ढूंढने के लिए अलाइनमेंट यूज की है, लोगों को सेंटर करने में अलाइनमेंट यूज की है, ईच एंड एवरीथिंग अलाइनमेंट यूज कर रहे हैं हम। और एक और चीज़ है, मैंने ग्रे नहीं यूज किया लेकिन मुझे तंग कर रहा है कि मैंने क्यों नहीं यूज किया, तो मैं एक सर्कल बनाना पसंद करूंगा। लेट्स जस्ट ड्रॉ अ सर्कल और इसको व्हाइट कर दूं, ट्राई करने में क्या अर्ज है, टाइम हमारे पास आज थोड़ा सा 10 मिनट है। तो एलिप्स को मैं नीचे लेके जाऊंगा और उसको भी क्लिप कर दूंगा, क्लिप कर दिया कंट्रोल जी। और अब देख सकते हैं कि मेरा सर्कल जो था पहले क्या था, क्लिप नहीं हुआ हुआ था, तो मैंने दोबारा से क्लिप किया। ये मेरा सर्कल है, नजर आ रहा है, मैं इसको कार्ड के ऊपर क्लिप करना है, तो या तो कार्ड के बीच में ले जाएं तो ऑटोमेटिकली क्लिप हो जाएगा क्योंकि ऊपर क्लिपिंग हुई हुई है। तो अब क्या, मेरा व्हाइट वाला पार्ट क्लिप हो गया है और इस सर्कल को या एलिप्स जो लिखा रहा है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा और स्ट्रोक दूंगा। आपको याद है हमने स्ट्रोक रिमूव किया था हर बॉक्स में से, स्ट्रोक क्या होता है, बॉर्डर होता है। तो मैं इसको शेप लेयर में जाऊंगा, शेप लेयर में जाने के बाद, शेप लेयर सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये हो गया। शेप लेयर पे सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ग्रीन कलर का, जो कि मेरा ये फीचर्ड कलर था, इसी रंग का मैं कलर स्ट्रोक दूंगा और थोड़ा साइज बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो कार्ड की दूसरी शक्ल ऐसी बन गई, मुझे पहले वाला सेव करना चाहिए था वैसे, क्योंकि अब वो वापस आने में टाइम लगेगा। राइट कंटेंट में मेरा टेक्स्ट खत्म हो गया, तो मैं राइट कंटेंट में जाऊंगा। तो आपने देखा फोल्डर बनाने में कितना आसानी है कि मुझे एडिटिंग करने में इजी लग रहा है। राइट कंटेंट में गया हूँ, एंटर योर टैगलाइन के टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने इन चारों कलर्स के अलावा कोई कलर यूज नहीं किया, ये आपने नोट किया होगा। ये मैंने टैगलाइन ही कलर डाल दिया, कंपनी नेम किया है, कंपनी नेम में से कंपनी का कलर सही है और नेम का कलर क्या होना चाहिए, ये वाला ग्रे होना चाहिए। और दैट्स इट, आपका कार्ड रेडी है। पहले वाला कार्ड जिसमें सर्कल नहीं था बीच में, वो भी ठीक था। तो अगर मैंने एक चीज़ एडिट करनी हो तो मैं क्या करूँगा, वो ये करूँगा कि जो मेरा टेम्पलेट है, कहाँ पे गया कलर टेम्पलेट, इसमें ये वाला कलर मैंने यूज़ नहीं किया, ठीक है, और ये वाला कलर मैंने यूज नहीं किया, इसकी जगह मैंने व्हाइट किया है, तो मैं इसको रीनेम करके एडिट करके व्हाइट कर दूंगा। और ठीक है, बस ये थिंग्स मैंने यूज किए हैं, इसको मैंने यूज नहीं किया तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो जब मैं दोबारा से आऊंगा ना इस फाइल के अंदर, तो मेरे पास कलर टेम्पलेट के अंदर पहले से ही सारे RGB पिक्सल्स मौजूद, कलर्स मौजूद होंगे कि मैंने कौन कौन से कलर यूज किए हैं। इन केस मैंने इसकी कोई और किसी कंपनी का कोई और काम करना हो तो मेरे पास सारे कलर सैंपल्स मौजूद होंगे, तो मैं सिर्फ ही फाइल ओपन करूंगा, वहां से कलर इवन दो कलर पिकर से मैं कर सकता हूँ। राइट कंटेंट बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा आउट ऑफ, तो राइट पे कर देते हैं। तो ये ठीक है, हमारे पास ऊपर वाला कार्ड बनाने का टाइम नहीं है, जो यहाँ पे हमने फ्रंट एंड फ्रंट बनाना था, तो मोस्ट प्रॉबली वो भी इसी तरह कहीं कुछ ना कुछ हम कर सकते थे। उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लोगो डाल देते, यानी कि जल्दी से बना लेते हैं। मैं नीचे वाली लेयर को डुप्लीकेट कर रहा हूँ, फ्रंट कार्ड को डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है, और
एक सेकेंड, इसको डुप्लीकेट किया कंट्रोल जे करके, कंट्रोल जे प्रेस किया, और ये जो नीचे वाली लेयर है ना इसको मैं कर देता हूँ फ्रंट नहीं बैक, बैक बिजनेस कार्ड ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ सबसे ऊपर। अब यहाँ से मेरा ऊपर वाला कार्ड स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं ऊपर ले गया मूव टूल के साथ, और पूरे टेम्पलेट को मैं हाइड कर रहा हूँ, और जो 1050 by 1600 है इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। ये मैं इसलिए देख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए स्ट्रेटेजी ये कि ये डायमेंशन होते हैं इसके। और मेरा बैक कार्ड आपने इमेजिन करने के, ये फ्रंट कार्ड है मेरे बिजनेस का, बैक कार्ड मैं अपना फीचर कलर ही रखूंगा जो कि ये है ओके, और कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ सिर्फ राइट कॉन्टेंट उठाऊंगा, डुप्लीकेट करूंगा कंट्रोल जे, ऊपर लेके जाऊंगा एंड लेट्स मूव इट ओवर हियर, और इसके कलर चेंज करते हैं। कलर ओवरले जो टेक्स्ट को दिया था वो मैं दे देता हूं इसको वाइट, बिकॉज ग्रीन के ऊपर ग्रीन नजर नहीं आएगा, वाइट नजर आ गया। ओके किया कंपनी नेम का कंपनी खत्म हो गया बिकॉज ग्रीन के ऊपर ग्रीन नजर नहीं आता, हमने उसको भी वाइट कर दिया ओके। कलर्स कैसे लग रहे हैं आई डोंट नो, ठीक है कलर्स चेंज कर सकते हैं वैसे, आई एम नॉट श्योर कि ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल थोड़ा बहुत टाइम कम था तो इस तरह कोई चीज आप बना सकते हैं। और इवन बेटर टैगलाइन को प्रोमिनेंट करने के लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊंगा, उस रेक्टेंगल को क्लिप कर दूंगा इसके ऊपर ताकि ये कार्ड से बाहर ना जाए, और इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा वाइट ओके। और टैगलाइन जो मेरी है जो कि कहाँ पे थी राइट कंटेंट कॉपी के अंदर एंड पर टैगलाइन हेयर, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसका कलर अब मैं ग्रीन कर सकता हूँ बिकॉज वाइट के ऊपर ग्रीन नजर आ जाएगा। आई डोंट नो ये सही लग रहा है कि नहीं, बट जस्ट एन एग्जाम्पल, आखिरी वाले कार्ड मैंने मेहनत नहीं की ड्यू टू टाइम शॉर्टेज, बट कुछ इस तरह से बन जाएगा। और इस पूरे को कंपनी नेम को और लोगों को मैं बड़ा करने जा रहा हूँ कंट्रोल टी प्रेस करके, लेट्स इंक्रीज इट। बस ठीक है और टाइम जाया करते हैं इस पर। तो बेसिकली आप लोगों को एग्जाम्पल ये देनी थी कि हाउ टू मेक अ बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड के दो साइड्स होते हैं, एक ऊपर वाला साइड एक नीचे वाला साइड, और दोनों को आपने कायदा से कलर टेम्पलेटिंग के साथ एडजस्ट करना होता है। और कुछ चीजें आप लोगों ने इसमें से ये नोट करनी है कि एक तो ये काम नीट होना चाहिए, राइट साइड पे लेयर पैनल्स आपके जो लेयर पैनल है वो नीट होना चाहिए। अब इसको मैं आखिरी स्टेप कर रहा हूँ, एक ऊपर वाला कॉपी किया सेलेक्ट किया रेक्टेंगल, और ये इनको मैंने कंट्रोल जी करके कर दिया बैक साइड, और इसको सबको सेलेक्ट किया और कंट्रोल जी करके मैंने इसको रीनेम कर दिया फ्रंट साइड। तो बस कार्ड के दो हिस्से आ गए, बैक साइड एंड फ्रंट साइड। बैक साइड बहुत फर्क है क्योंकि इसमें मैंने मेहनत नहीं किया, टाइम नहीं स्पेंड किया। लेट्स चेंज द कलर क्योंकि तसल्ली नहीं हो रही, मैं इसको भी ब्लैक कर देता हूँ। नहीं वही सही था, यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, और आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दैट। एनी क्वेश्चंस सर? मेरा क्वेश्चन है बट आई थिंक यू आर गेटिंग लेट, सो मैं व्हाट्सएप पे पूछ लूंगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा रश्मि रमजान का है सर, आपने जो कार्ड का टॉप लेफ्ट पर जो ग्रीन अप लेफ्ट पर जो ग्रीन स्क्वायर बॉक्स का कैनवस पर से साइड कैसे किया वो काइंडली प्लीज वॉइस नहीं कर दें सर। आपने जो कार्ड के टॉप लेफ्ट लेफ्ट यानी ये पर जो ग्रीन स्क्वायर बॉक्स को कैनवस पर से हाइड किया, अच्छा हाइड किया, हाँ मैंने हाइड किस तरह से किया ये देखें। फ्रंट साइड पे गए और टाइटल कहाँ है, ये टाइटल है हमारा, ये टाइटल में नहीं था सॉरी, ये इस बॉक्स के ऊपर था, ये नेम बॉक्स है हमारा ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये नेम बॉक्स क्या था, ये इतना था, नेम बॉक्स ऊपर है, हमने क्रॉप किसको करना है, नीचे कार्ड को क्रॉप करना है कि इसका एक्सटर्नल पार्ट क्रॉप करना है,
ऑब्वियसली नेम बॉक्स, इसमें नेम बॉक्स कह रहा हूँ, सिर्फ बॉक्स कह देता हूँ, इस बॉक्स को हमने क्रॉप करना है तो बॉक्स ऊपर होना चाहिए नीचे वाली लेयर के रिस्पेक्टिव। तो पहला स्टेप तो ये है कि जो चीज क्रॉप करनी है वो ऊपर होनी चाहिए। इन दोनों में से क्रॉप क्या करना है, बॉक्स का पार्ट। तो बॉक्स ऊपर आ गया, कार्ड नीचे आ गया, बिल्कुल ऊपर नीचे होना चाहिए, एग्जैक्टली ऊपर नीचे। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप इज जस्ट क्रॉप इट, ऑल्ट प्रेस करें, मेरा माउस दिखें राइट साइड पे, ये माउस है, अभी चेंज नहीं हो रहा। मैं जैसे ही ऑल्ट प्रेस करूंगा वो एक क्लिपिंग का एरो बना आ गया। अब मैं इसके एच पे, यानी जो लाइन बनी आ रही है ना दोनों लेयर्स का जो लाइन है सेंट्रल वाली लाइन, इस पे जाके ऑल्ट प्रेस करूंगा और क्लिक करूंगा तो ये क्लिप हो गया। दैट्स इट। इसका शॉर्टकट मुझे याद था, आई थिंक ऑल्ट कंट्रोल जी होता है। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट कंट्रोल जी प्रेस किया और नहीं हुआ कुछ। लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस वन, ऑल्ट कंट्रोल जी, ये भी नहीं होगा ऊपर वाले में। हाँ ठीक है, जिस लेयर को क्रॉप करना है ना उस लेयर को सिलेक्ट करें, ऑल्ट कंट्रोल और जी करेंगे तो वो क्रॉप हो जाएगा। शॉर्टकट है कीबोर्ड का, बट विजुअली अगर आपने देखना है तो आप इन दोनों लेयर से देखा, आपने माउस रखें ऑल्ट प्रेस करें एंड जस्ट क्लिक हियर तो वो क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ, जो क्रॉप करना होता है वो पार्ट ऊपर होता है, वो लेयर ऊपर होती है, और जो क्रॉप नहीं करना होता वो नीचे होता है। दोनों इमीडिएटली ऊपर नीचे होना होता है। सिमिलरली अब आप देख सकते हैं मेरा सर्कल बाहर निकल गया क्योंकि मैंने उससे क्लिपिंग हटा दी है। अभी क्लिपिंग कंटिन्यू हो रही है। इसी स्क्वायर के ऊपर मैंने इस सर्कल को भी क्रॉप करना है। ठीक है, ये जो सर्कल है ये सर्कल भी मैंने क्रॉप करना है। किस तरह से क्रॉप करना है कि सिर्फ और सिर्फ इस कार्ड के ऊपर सर्कल नजर आए, जैसे जैसे इस कार्ड से बाहर जा रहा है सर्कल वो क्रॉप हो जाए। तो क्रॉप वाला पार्ट हमेशा ऊपर आएगा। ये वो लेयर थी जिसे मैं क्रॉप करना है, एलिप्स, ये एलिप्स है, इसको कार्ड के ऊपर लेके जा रहा हूँ। इमीडिएटली ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि अब ये वाला पार्ट ऊपर है। ठीक है ना, तो अब मैं इसके बाद वाला इमीडिएटली ऊपर रखूंगा और फिर ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो वो इसको रीड नहीं करेगा फिर तले को, क्योंकि क्लिप हुआ है ना, वो लेयर को रीड करेगा जो नीचे लेयर आ रही है, तो वो इस लेयर को रीड कर रहा है। होपफुली आपको इसका आंसर मिल गया, और ये चीज हमने आगे हर क्लास में रिपीट करना है, तो काफी ज्यादा रिपीट होने वाली चीजें क्लिपिंग और मास्किंग वगैरह। तो डोंट वरी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम किसी ना किसी तरीके से दोबारा कर लेंगे। आई विल रिपीट इट इंशाल्लाह।